राधे राधे फ्रेंड्स, मेरी नई वीडियो में आपका स्वागत है। प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। अगर आप कोई मुझे सुझाव देना चाहते हैं तो इस वीडियो में कमेंट अवश्य करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पेरेंटिंग टिप्स। बुद्धिमान बच्चों की पहचान होती है ये 6 आदतें। आपके बच्चे में हैं तो लाइफ में सफल होना तय है। आइए जानते हैं इस विषय के बारे में। हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे दूसरे बच्चों से ज़्यादा समझदार हों। बच्चों की आदत से खुद माता पिता ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके बच्चे बुद्धिमान हैं या नहीं। खास बातें क्या हैं? बुद्धिमान बच्चों की खास आदतें कैसे पता करें कि कोई बुद्धिमान है? कोई माता पिता अपने बच्चों को दब्बू होता है या दब्बू बनता नहीं देखना चाहते। सबकी ख्वाहिश होती है कि बच्चा ज़्यादा स्मार्ट आउटस्टैंडिंग हो। इस वजह से कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स भी करते हैं, या तो उसे दूसरे बच्चों का उदाहरण देते रहते हैं या हर समय किताबों में से झुकाए रहने पर मजबूर करते हैं। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि बस किताबों में घुसे रहने से कोई बच्चा बुद्धिमान नहीं बनता है, बल्कि कुछ खास आदतें होती हैं जो आपके बच्चों को दूसरे बच्चों से अलग बनाती हैं। आपको बताते हैं कौन कौन सी हैं वो आदतें। बुद्धिमान व्यक्ति होने के 6 संकेत होते हैं। समय पर खास ध्यान देना। जो बच्चे दूसरे बच्चों से ज़्यादा समझदार होते हैं वो समय को कभी नज़रअंदाज नहीं करते हैं, बल्कि समय के साथ साथ अपना काम मैनेज करते हैं। उनका एक फिक्स शेड्यूल होता है और वो उससे समझौता बिल्कुल नहीं करते। रूटीन तय कर उस पर आगे बढ़ने से वो हमेशा सिस्टमैटिक भी होते हैं और अपने काम के साथ अपने शौक भी पूरे कर पाते हैं। नोट करते हैं हर बात। कुछ बच्चे होते हैं जो दूसरों की बातें सुनकर जितना याद रहे उतना ही फॉलो करते हैं, लेकिन जो बच्चे भीड़ से अलग रहना चाहते हैं वो बुद्धिमान तो होते हैं, वो अपने काम की हर बात को नोट करते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें फॉलो कर सकें। सवाल पूछने में हिचकते नहीं हैं। कुछ बच्चे डाउट्स के बावजूद अपने टीचर से सवाल नहीं कर पाते हैं, जबकि जो बच्चे बुद्धिमान बच्चों की कैटेगरी में आते हैं वो सवाल पूछने में झिझकते नहीं हैं, बल्कि अपने डाउट्स दूर करने पर फोकस करते हैं। टारगेट पर फोकस। बुद्धिमान बच्चे पहले अपना टारगेट तय करते हैं, यानी लक्ष्य तय करते हैं, फिर उसे पूरा करने के लिए जुट जाते हैं। उनका मकसद सिर्फ पढ़ाई का वक्त पूरा करना नहीं होता, बल्कि पढ़ाई का टारगेट पूरा करना होता है, अर्थात अपने लक्ष्य तक पहुंचना होता है। सेहत का ध्यान। ऐसे बच्चे ये खूब जानते हैं कि अपना शेड्यूल पूरा करने के लिए, अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए उनका सेहतमंद रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अपनी तबीयत का भी पूरा ध्यान रखते हैं। ज़्यादा जंक फूड की जगह हेल्दी खाना खाते हैं और फिजिकली फिट रहते हैं, अर्थात अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हैं। नई चीज़ें करते हैं एक्सप्लोर। किताबों से मिलने वाला ज्ञान हासिल करना तो आसान है, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चे, जो बुद्धिमान बच्चे होते हैं, वे कुछ अलग जानने की इच्छा से एक्सप्लोर करने में जुटे रहते हैं। अलग अलग किताबें, मोबाइल पर उपलब्ध जानकारी और जानकारों से सवाल करना उनकी आदत होता है, ताकि वो हर बार कुछ नई बात जान सकें। होशियार बच्चों की खास आदत में लगातार सीखने की आदत बहुत ज़्यादा होती है। ये बच्चे लगातार पढ़ते और सुनते हैं। किसी चीज़ को पीछे अधूरा छोड़कर आगे बढ़ना इनकी आदत नहीं होती है। ऐसे बच्चों का लक्ष्य पूरी तरह साफ होता है। इनको जो करना होता है उसी दिशा में पूरी तरह से लग जाते हैं। ये अपने टारगेट को फोकस करते हैं और फिर लगातार प्रोग्रेस भी करते हैं। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।